बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की अपडेट। अपडेट यह है कि आप भाई को साथ में वीडियो भी ये शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर आप भाई वीडियो खुद भी देखेंगे, हैरान रह जाएंगे। मैं खुद भी देखकर काफी हैरान हूँ। अच्छा, ये वीडियो मैंने 3-4 दफा देखी है। उसके बाद मैंने जब इसकी डिटेल पढ़ी है तो फिर मुझे समझ आई है। वीडियो देखने से देखी जब मैंने तो मुझको समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। अच्छा, बात यह है कि सऊदी अरेबिया में केबल चोरी के वाकयात बहुत होते हैं और इनके ऊपर बहुत से बंदों को गिरफ्तार किया जाता है। तांबे वगैरह का, यानी कि पीतल वगैरह का, जो इधर कॉपर की केबल वगैरह होती है बिजली की, इनका रेट गालबन 20 रियाल प्लस है जी। 1 केजी का 1 किलो 20 रियाल प्लस में ये सेल हो रहा है सऊदी अरेबिया में। और इसके मुतल्लिक चोरी की वारदातें, डकैतियां वगैरह बहुत सामने आ रखी हैं और बंदे भी बहुत से गिरफ्तार हो रहे हैं। आप भाइयों के साथ वक्तन फक्तन मैं ऐसी न्यूज शेयर करता रहता हूँ। ये वो वीडियो है, शायद मैं यहाँ पर आपको चलाकर वो दिखा भी रहा हूँ। ये अलखर्ज रियाज के साथ ही एक छोटा सा शहर है, वहां से ली गई वीडियो है। ये बंदा भाई बिल्डिंग बन रही है, आप देख रखे होंगे अंदर, अब आपको खिड़कियां वगैरह नहीं लगी हुई है, बिल्डिंग बन रही है, उसमें कार्बा वगैरह लगा दी गई थी। इस बंदे ने ये सोचा है कि ये केबलें वगैरह चोरी करता था कि मैं ये केबल काट लेता हूं या खींच लेता हूं यहां से, जितनी आएगी 5 किलो 10 किलो तो मेरा भाई खर्चा मर्चा, जो भी चोर था जो भी उसने सोचा, उसने बोलता बिल्डिंग बन रही है इसमें भाई कारबा होगी ही नहीं। जब इसने भाई वहां से काटने की कोशिश की है तो धमाका हुआ है और खुदा की कुदरत से यह बंदा बच गया है। वरना ऐसे वाकयात में बहुत कम होता है कोई बंदा बच जाए, लेकिन अल्लाह पाक की जात ने शायद इसकी मौत यहां पर नहीं लिखी थी और ये बच गया, गाड़ी में बैठकर भाग गया। लेकिन भाई इसे गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि ये सऊदी अरेबिया है। मैं आप भाइयों को ऐसी न्यूज से अपडेट करता रहता हूं, इसीलिए कि कोई भी काम गलत मत कीजिएगा। यहां पर आप खासकर अगर आप कैमरे में कैच हो रखे हैं तो फिर तो आपको भाई डेफिनेटली बात है आपको पकड़ लिया जाएगा। तो ये बंदा पकड़ लिया गया है सऊदी अरेबिया के मुतल्लिक। आपने किसी और न्यूज के मुतल्लिक जानना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।